ओके गाइस, सो वी हैव फ्यू पीपल हु हैव टर्न देयर कैमराज ऑन, सो गुड वन। या काफ़ी लोगों ने कैमरा ऑन किया है। यस फाइन गाइस, तो कोई बता सकता है कि कल हमने क्या सीखा होगा, क्या सीखा था? स्टेट ऑफ बींग हमने शुरू किया था। ओके और हमने फिर हर तरह के सब्जेक्ट सीखे होंगे, कि छोटे सब्जेक्ट्स भी हैं बड़े भी हैं। आई भी यूदे भी है, और उसमें वन ऑफ, टू ऑफ, सम ऑफ, फ्यू ऑफ भी लगा सकते हैं। तो बताइए कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज या आर? आर। ओके, और वन ऑफ दोज मैंगोज इज या आर? लेकिन मैंगोज तो है, मैंगोज आर, बट मैंगो में सो मेनी मैंगोस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन मैंगो। वन मैंगो, यस यस यस, करेक्ट, गुड वन। ठीक है, तो इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए आइए सर। सर अनकाउंटेबल इजी लगता है क्या? हाँ, अनकाउंटेबल में इजी लगेगा। आइए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ओके, तो अब एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर दो लोग हैं, ठीक है, किसी कॉपी वॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, कॉपी में चित्र बना सकते हैं, बट बाकी तो मैं लिख के दे ही रहा हूँ आपको। ये दो लोग हैं, आप यहाँ पर हो, और आपको जब इन दोनों के बारे में बात करना है, देखिए क्लास शुरू होने के बाद आना ठीक नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ हो, आप इन दोनों के बारे में बात करोगे, तो जिसके बारे में आप बात करोगे वो क्या कहलाएगा जी? सब्जेक्ट। यानी कि आपका सब्जेक्ट कौन है? आप सब्जेक्ट हो कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं? कौन सब्जेक्ट है? ये दोनों सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट के बारे में बात है, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनको देख के ही हमें सोचना है कि इज लगेगा कि आर लगेगा, इन्हीं को देखकर सोचना है, यू नो। यस, देखने में तो दो लग रहे हैं, दो का मतलब तो दिमाग कहाँ जाना चाहिए? आर की तरफ, है ना, आर की तरफ। लेकिन कुछ लॉजिक ऐसा है कि अगर एक सेंटेंस हो कि इन दोनों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं, सेंटेंस है कि इन दोनों में से कोई ओके, कहीं कोई गया उठ, नो वन इज, नो वन इज, नाइदर को यूज होगा। देखते हैं पहले तो सब लोग बैठ जी, कोई दरवाजा खोल रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सब बैठ कर आराम से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विवेकानंद जी सर, ठीक है, तो ऑडियो या तो ऑफ ऑफ कर लीजिए, दो मिनट ऑडियो। अच्छा ठीक, ये सब सही, ठीक है, तो देखते हैं। तो अब हमें नो वन, नन, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आएगा, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में अगर दो लोगों की बात हो, जैसे सिर्फ दो हो, और दोनों में से कोई भी आपका दोस्त नहीं है, दोनों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, दोनों में से कोई होनहार नहीं है, दोनों में से कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ दो की बात हो और सब में नेगेटिव बोलना है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं नीदर। नीदर, ये वो नीदर नहीं है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, नीदर नॉर, यू नो, आपके दिमाग में भी वही चल रहा होगा, नीदर नॉर, ये वो नहीं है, इसको हटा दीजिए, सिर्फ है नीदर। नीदर के बगल में लगाइए ऑफ, नीदर ऑफ। अब कितने लोग थे? दो लोग थे, है ना,
जैसे आप निदर बोलेंगे सुनने वालों को पता चल ही जाएगा कि सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है। तो अगर आप चाहें तो इनका पूरा नाम ले सकते हैं कि नीदर ऑफ द बॉयज, ऐसे कह सकते हैं। आप चाहे तो नीदर ऑफ दोज टू बॉयज ऐसा भी कह सकते हैं। हालांकि आप टू नहीं भी बोलेंगे तो नीदर सुनकर हमें क्या पता चल जाएगा, कितनों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। जैसे कोई ऑल बोलता है तो पता चलता है ना सब की बात हो रही है, पता चल जाता है ना। तो वैसे ही नीदर से ही अंडरस्टूड है कि दो की बात हो रही है। तो आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं टू अलग से, नहीं भी दिखा सकते। आप चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं नीदर ऑफ देम, बट याद रखिए देम के अंदर कितने लोग होने चाहिए, सिर्फ दो। तीन भी हो जाएगा तो नीदर नहीं चलेगा, ओनली फॉर टू ये बना हुआ है। ये करने के बाद अब आपको प्रॉब्लम ये होगी कि देखने में दो है लेकिन नीदर ऑफ अपने साथ क्या लेता है, अपने साथ क्या लेता है, इज लेता है। नीदर ऑफ डैश डैश उसके बाद इज लगाना पड़ेगा, ये आपका फॉर्मूला है। ग्रामर क्या करता है कि इस इन दोनों को नीदर को एक एक मान के चलता है, इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, दोनों को एक कर देता है, एक कर देता है ग्रामर, इसलिए उसको इज मिल जाता है, इसको इंडिविजुअल नहीं रहने देता है। Yes, दोनों को एक थाली में करके वो थाली के लिए इज लगा देता है, ठीक है जी, इज आ जाता है। यस, तो हमें ऐसे बोलना होगा कि उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ दो लोग हैं, तो कैसे बोलेंगे, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम इज नॉट ऑफ देम इज एजुकेटेड। अच्छा, अलग से नॉट भी नहीं लगाना है, नीदर में नॉट छुपा हुआ है, समझ रहे हैं। Yes, सर, उनमें से कोई नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना सर, उनमें से कोई नहीं। हाँ, उनमें से कोई नहीं, बट ये सिर्फ दो की बात होगी तभी, ओनली टू, एकदम गलती से भी तीन हो गया तो प्लीज नीदर ना लगाए। आप नीदर बोलेंगे और आपके मन में तीन चल रहा है बंदा, तो नीदर को दो ही मान के चलेगा। तो इसलिए जहाँ तीन पीपल अगर होंगे, मतलब तीन, उनमें से तीनों एजुकेटेड नहीं है। हाँ, तो आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, तो पहले नीदर को थोड़ा और देख लेते और देख लेते हैं। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक इंसान के कितने हाथ होते हैं, दो हाथ, दो। तो अंडरस्टूड है, हाथ की बात अगर हम कर रहे हैं, अगर आपको कहना हो कि यार मेरे दोनों हाथ आज काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, नॉट आपकी जुबान पे नॉट का मन कर जाता है। हाँ, मन करेगा, आदत है ना, मन करेगा अभी तो, हाँ आदत है, होगा होगा। तो अब जैसे मैंने हैंड्स बोला तो क्या यहाँ पर टू लगाना जरूरी है, तो अंडरस्टूड है ना कि हाथ तो दो ही होते हैं, है ना, तो टू नहीं लगाना, और नीदर से भी तो क्लियर हो ही गया। हाँ, नीदर का मतलब टू, नीदर का सर, यहाँ पे हैंड्स की बात हो रही है तो सर यहाँ पर आ ही आएगा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीदर एक कर देता है ना दोनों हाथ को, जैसे मैंने आर वर्किंग होगा। ठीक है, ऐसे देखिए इसका जवाब आप दीजिए, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग, अब तो सही है ना, आप जैसे इन्होंने कहा कि सुनिए मेरी बात, हैंड्स आर कहा तो यहाँ भी फ्रेंड्स आर सही होना चाहिए, ये भी फ्रेंड्स है आर, लेकिन सही नहीं हुआ क्योंकि हमने फ्रेंड्स को नहीं देखा, हमने किसको देखा, वन को देखा, वन को, वन को देखा। उसी तरीके से हम यहाँ हैंड्स को नहीं देख रहे, ये सिंगुलर है, नीदर को, नीदर को देखेंगे, नीदर सिंगुलर है, नीदर अपने साथ, जैसे वन सिंगुलर है ना, नीदर एक होता है, ये दोनों को मिलाकर नीदर ने एक कर दिया वन, इसको वन ही समझिए, तो इसलिए हैंड्स को मत देखिए। नीदर के साथ इज लगता है, हैंड्स के साथ तो आर लगता ही है, लेकिन दोनों हाथ में से कोई नहीं, नीदर, तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों नहीं बताता आपको, सोचिए, ठीक है जी। ओके, तो और बताइए, और भी कोई, दो जैसे दो मोबाइल फोन है भाई, दोनों मोबाइल में से कोई भी वर्किंग नहीं है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, neither of neither of mobile is working. तो एक तो आपका मन करेगा कि यहाँ आर लगाओ, यू नो, मोबाइल्स देख करके, पिज्जा खाने का मन हो रहा है। ओके, फाइन।
तो और सोचिए क्या है ऐसा दो आइटम आपके घर में। सर सर जैसे दोनों दोनों पेड़ों में से किसी पेड़ में फल नहीं है। ठीक है, तो नीदर नीदर ऑफ ट्रीज नीदर ऑफ द ट्रीज। अब हैव नहीं लगा सकते, हैज लगाना पड़ेगा ना। नीदर ऑफ द ट्रीज हैज फ्रूट्स, यहाँ सिमिलर लगेगा। ट्रीज सुनकर के हैव लगाने का मन कर सकता है, नहीं लगाना। ओके, बिकॉज नीदर के कारण। नीदर ऑफ द व्हीकल्स, नीदर ऑफ द व्हीकल्स इज ओल्ड। नीदर ऑफ द, और ये बिल्कुल, ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एकदम यूट्यूब पे जा रहा है। खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि भैया ये सिंगुलर है, ठीक है, जिसको मेरी बात काटनी है काट ले, यू नो। नीदर ऑफ द पिलोज इज डस्टी, तो नीदर ऑफ द पिलोज, हाँ दो तकिया, हाँ नीदर ऑफ द पिलोज इज डस्टी। डस्टी क्या कहना है? नीदर ऑफ डस्टी सर, डस्टी इसका मतलब है कि दोनों तकिया में से कोई भी गंदा नहीं है, समझ रहे हैं? यस सर, इसका मतलब ये है। नीदर ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, लेकिन जब हम देम बोल रहे हैं तो याद है ना कि सिर्फ दो ही को इशारा कर रहे हैं ना तभी। दोनों में से कोई नीदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, नीदर ऑफ देम इज इंटेलिजेंट। सर इसको नेगेटिव में यूज कर सकते हैं सर, नीदर को। हां ये नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए बोथ आता है, नाम तो सुना होगा बोथ। यस सर, यस, वो भी देख लेते हैं सर। ऐसा हो सकता है ना तुम दोनों में से कोई समझदार नहीं है। हां सही, अगर पॉजिटिव दिखाना है तो फिर नीदर नहीं बोलेंगे, क्या बोलना होगा? बोथ ऑफ, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, और बोथ के साथ आर लगेगा। सर सिर्फ नेगेटिव में नेदर को यूज करते हैं, सिर्फ नेगेटिव। यस बोथ ऑफ आर इंटेलिजेंट सर। हां तो अगर यहां दो लोग, अच्छा बोथ भी दो के लिए होता है, नेदर भी दो के लिए होता है, लेकिन बोथ पॉजिटिव, नेदर नेगेटिव, नेगेटिव। और यहां पर ग्रामर कहता है भैया बोथ के साथ तो आर लगाओ, इसलिए ग्रामर जैसा कहता फॉलो कीजिए, अपना चलाएंगे। बोथ के साथ आर लगेगा सर, हां बोथ के साथ आर लगेगा, बोथ ऑफ यू। इसने ग्रामर बनाया, उसने ऐसे ही बनाया, बोथ दो आ जाते हैं पहले। इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते। जैसे मैं बोलूं कि उनमें से दोनों दोनों इंटेलिजेंट है, तो बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आर इंटेलिजेंट। उनमें से दोनों देम आर मैरिड, हां बोथ ऑफ देम आर मैरिड, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, दोनों बोथ ऑफ देम आर काय, both of them are my friends. Okay, ji. Both of them are good person. Good person. तो अब एक-एक सर इंट्रोगेटिव में कैसा यूज करेंगे देखो? इंट्रोगेटिव में जो भी इज आर एम होता है उसी को हमें पहले उठाना पड़ता है कि क्या वे दोनों तुम्हारे दोस्त हैं? Are both of them my friends? Your friends? Answer me yes. Okay. They are my friends. Yes, they are my friends. Sir, बोल सकते हैं both of them are my friends. और नेगेटिव में क्या क्यों बोलेंगे? Both of them are my friends. No, they are not my friends. Are both of them your sisters? सर ऐसा बोलना, उनमें से दोनों क्यों तुम्हारा दुश्मन है? Why लगाना पड़ेगा? Why are both of them your? Why are both of them your enemy? और अगर ये बोलने में ज्यादा मुश्किल लगे तो why are they your enemy? दे से इशारा किया, उधर दो लोग दिखाई दे रहे हैं। Why are they your enemy? Sir, are both of them your friends? ये कैसे किया? सेम यही नीदर में कर सकते हैं क्या? इंट्रोगेटिव? नीदर में इंट्रोगेटिव करेंगे तो नहीं, वो नेगेटिव कर लिया ना। तो आएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि क्या वे दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं? कुछ ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। Yes, sir. Is neither of them
एजुकेटेड बट ऐसा कोई बोलता नहीं एजुकेटेड कोई बोलता नहीं ओके सब जबरदस्ती वाली बात ओके तो अब बताइए तुम में से एक पढ़ा लिखा है अब तुम में से दो पढ़े लिखे हैं से कुछ पढ़े लिखे हैं फाइन और तुम दोनों में से कोई पढ़ा लिखा नहीं तुम दोनों अच्छा इसकी जगह none of you भी तो हो सकता है ना सर आ रहे अभी तो दो पे ही है ना तीन लगाए गए यस सर तुम दोनों पढ़े लिखे हो both of you both of you ओके ठीक है अब हम आते हैं अगर दो से ज्यादा लोग हो जाए तब क्या होगा One person. And here there is another person. कम से कम तीन लोग हैं ज्यादा कितने भी हो तो अब इनका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो पहले नेगेटिव देखते हैं इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं तो सीधा हम बोलेंगे none of them और ऑफ के बाद none of them कोई कैसे भी लगाना है तो none of them कह सकते हैं none of those boys कह सकते हैं यू नो none of these boys none of those boys हाँ आप none of my friends भी कह सकते हैं none of my friends इसमें 80, 90, 100, 50, 1 लाख सब हो सकता है लेकिन इसके साथ एक तकलीफ है ग्रामर ने बोला कि भाई इसमें विवाद चल रहा है आप इस भी लगा सकते हो आर भी लगा सकते हो दिक्कत ही है आपके ऊपर आपको जो अच्छा लगे इसमें कोई एक चीज पे ग्रामरियन जो है वो माने नहीं तो कुछ भी लोग लगाते हैं तो जिसको जो अच्छा लगे हालांकि जनरली लोग प्लूरल समझ के प्लूरल ही आर ही ज्यादा लगाते हैं आर लगा देते होंगे तो दोनों अलाउड किया है तो इसलिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही नहीं कॉमन एरर में कि भाई जब दोनों ही अलाउड है तो क्या गलत पूछेंगे तो आप नन ऑफ देम आर भी कह सकते हो इस भी कह सकते हो तो मान लो आर बोलते हैं कि नन ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स कोई मालूम मेरे दोस्त नहीं है और सोचते हैं बहुत सारे मैंगोज है इनमें से कोई भी आम नन ऑफ द मैंगोज कोई भी आम सड़े हुए नहीं नन ऑफ द मैंगोज आर रॉटन 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 नन ऑफ मैंगोज आर रॉटन इसमें से कोई भी मोबाइल महंगा नहीं है अब नन ऑफ मोबाइल मोबाइल तो none of, okay, और अगर पॉजिटिव बोलना है तो all of these mobiles are expensive तो पॉजिटिव में all बोलो कि सारे के सारे मोबाइल all of you are my friends बोल सकते हो जैसे सारे मोबाइल्स महंगे all of the mobiles are expensive अगर ये काउंटेबल के लिए आएगा ऑल तब तो ऑफकोर्स आपको आर लगाना है पास्ट में वर लगाना है यू नो
स्टेंस में जाओगे तो हैव, जितने प्लूरल वाले वो लगाने। लेकिन ऑल कई बार अनकाउंटेबल के लिए भी आता है, कभी सुना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल सुना होगा? यस सर, यस सर, इज लगाना पड़ेगा, वाज लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। जब सबको मिला के कोई एक मान ले, एक ऑल सबको मिला के उसको सिंगुलर ऑल, तो इज लगाना पड़ता है। और अगर इंडिविजुअल देखे ऑल आर प्लूरल माने तो आर लगाना पड़ता है। बट जनरली लोग प्लूरल ही मानते हैं जनरली। जैसे आपको बोलना है कि सारे के सारे लोग भैया थके हुए हैं, तो अब जनरली ऑल आर ही बोलोगे, ऑल इज तो नहीं बोलोगे। ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ देम आर टायर्ड। सर अनकाउंटेबल का एक मतलब उदाहरण दीजिए ना। इसमें बड़ा मुश्किल वाला अनकाउंटेबल निकालना बड़ा मुश्किल है, मान लेते हैं फिर भी। हाँ मैं बना रहा हूँ, बनी ना रहा मतलब। और ऑल ऑफ दी स्टार्स जैसे मिल्क ले लेते हैं, अनकाउंटेबल स्टार, ऑल वाटर इज डर्टी। हाँ मिल्क ले लेते हैं, और क्या, और क्या क्या हो सकता है? वाटर ले लेते हैं, मिल्क, वाटर, स्टार्स, ऑल द मिल्क वाइट वाटर ऐसे भी कह सकते हैं। सर इसमें ना बैठे फिर। हेलो, हाँ बोलिए। All of the milk होगा ना सर, अपने अपने हिसाब से ये इसमें नहीं बैठेगा। All of the milk is rotten। क्यों नहीं? All of the milk भी सही, All of the milk भी सही है, सही था। All of the milk, All of the milk is white, is fell down। अभी tense की बात नहीं कर रहे, state of being में सोचते हैं। All of the milk is for the guest, सारा दूध मेहमान के लिए, you know? Yes, okay। तो आप is लगा सकते हैं। Okay। लेकिन अगर चपाती जा जाए तो all of the chapatis, all of the chapatis, all of the chapatis are all of the chapatis are लगाना पड़ेगा। All of the chapati is for him पर चपातीस आर गिन सकते हैं, चपातीस countable है भाई, लगा सकते हैं। चपातीस जो है all of the chapatis are hot for him, ठीक है। मालूम फॉर हिम हॉट जो भी है सब चलेगा। सारा का सारा पानी गंदा है। हाँ तो या तो ऑल ऑफ द वाटर आर डर्टी, ऑल ऑफ द वाटर आर डर्टी इज, और के लिए भी आर ही होगा सर। वाटर के साथ इज आएगा, ऑल ऑफ द वाटर इज आर अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इज लगाना पड़ेगा। ओके सर, वी गॉट इट सर। हेलो सर जी, हेलो जी, हेलो जी। ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी एंड ऑल वाटर इज डर्टी, इसमें क्या मतलब? सही तो मीनिंग निकलता है दोनों, सेम है, सेम है सेम है। अगर मैं बोलूं अगर मैं कहता हूं ऑल द बॉयज, मैं बोल ऑल ऑफ द बॉयज, बात एक ही है, कहने के दो तरीके। अच्छा ठीक, दोनों सेम। ओके ओके जी, तो बताइए। हो जाए दो चार सवाल, आइए एक दूसरे से पूछिए कुछ। ऑल ऑफ द ट्रीज आर स्मॉल, आइए। ऑल ऑफ जैसे तुम्हारी सारी की सारी किताबें इंग्लिश में है, कैसे होगा? All of your books are all of your books are English. None of your books are your English. Boys are fighter. Okay. All of these boys is educated. All of the boys are bad. सारे के सारे employees, सारे के सारे एम्प्लॉयज रिश्वत खोर हैं। अब ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज आर खोर को क्या कहते हैं, भूल गया। ब्राइबी एक बार ब्राइबी सर्च कर लेते हैं। ब्राइबरी, हां ब्राइबरी नहीं, ब्राइब करके सर्च करना। ब्राइब होता है सर, बी आर आई बी ई ना, ब्राइब। ब्राइब मतलब रिश्वत, लेकिन रिश्वत खोर, रिश्वत लेने वाला। ब्राइबर, ब्राइबर,
एक बार देखना कि ब्राइबी है कि ब्राइबर है, ब्राइबी होना चाहिए, एक बार देख लेना। जैसे कि ट्रेनिंग लेने वाला ट्रेनी होता है ना, ट्रेनी होता है ना, देने वाला ट्रेनर होता है, देने वाला ट्रेनर होता है। तो यहाँ एक बार गूगल सर्च करना ब्राइबी रिश्वतखोर, और नहीं तो करप्ट वर्ड तो है हमारे पास, करप्ट इसमें देने वाला ब्राइबर हो जाएगा ना। फिर भी एक बार कंफर्म हो जाना, कंफर्म हो जाना। ऑल ऑफ टीज इज फॉर मी, जितनी भी चाय है। यस सर, चाय में टीज नहीं कर सकते, फिर टी ही कहना पड़ेगा। ऑल द टी, ऑल ऑफ द टी, ऑल ऑफ द टी इज फॉर मी। मान लीजिए कि एक पतीला बना है चाय, सारा आप ही के लिए है, तो ऑल ऑफ द टी। इसमें माइंड भी तो लग सकता है, ऑल ऑफ द टी इज फॉर माइंड। अच्छा, फॉर माइंड तो नहीं हो सकता अभी, उसमें आज अब वो भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे अभी। पहले की नन ऑफ वन ऑफ ये सब हो जाए क्लियर। हाँ जी, दुष्यंत सोच रहे कि हो क्या रहा है, फर्स्ट डे है दुष्यंत, देखते रहो देखते रहो। नहीं नहीं सर, मैं आपको एक्चुअली बहुत देर से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता है। ओके, थैंक यू, आपने चांस दिया एडमिशन का। 2022 से लटक रहा था मैं। ओह माय गॉड, 2022 से 22 से हाफ से लटक रहा था। मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने बोला था कि बैचेस फुल है, मैं कहा चलो शांति से बैठ जाओ। फिर 2023 आई, फिर आपको इमोशनली मैसेज किया, सर नए साल का गिफ्ट दे रहा हूं। शुक्र आपने गिफ्ट दिया, मिनट दर लेकर वाकर दे दिया। सर हम लोग भी तो एक साल से ट्राई कर रहे थे, मैं मैसेज पे मैसेज कर रही थी आपको। ऐसा मत किया करो सर, ऑनलाइन जो भी आपको गूगल पे वीडियो उसमें करते थे मैसेज, हम ट्राई कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, कोई नहीं, ये है बस कनेक्शन, जहां बन जाता है बन जाता है, लिखा हुआ है। सर मिलते हैं, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सर नीदर के संकेत बताओ। नीदर के साथ जैसे कि जैसे दो दो फीमेल्स है, मैं बोलूं इन दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है, तो कैसे होना चाहिए? नीदर ऑफ वुमेन, नीदर ऑफ देम इज मैरिड, नीदर ऑफ देम इज मैरिड। और दोनों नीदर ऑफ दीस गर्ल्स इज मैरिड, ऐसा हो सकता है क्या सर? पक्का पक्का, नीदर ऑफ दीस गर्ल्स हो सकता है इज मैरिड। वो गर्ल्स सोच के आर नहीं लगाना है। यस सर, नीदर ऑफ नीदर सोच के इज लगाना है। हां नीदर सोच के, बस नीदर को देखना है। ओके, तो मान लीजिए कि धनश्री के दो जैकेट्स हैं और दोनों ही साफ नहीं है, तो कैसे होगा? और अगर दोनों जैकेट नए हैं तो नीदर ऑफ बोथ ऑफ द जैकेट, बोथ ऑफ द जैकेट आर 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 न्यू, आर न्यू, आर न्यू, आर न्यू, न्यू। ओके, और अगर अभी यही कंफ्यूजन है, नीदर और बोथ ऑफ, ये सब बोथ ऑफ आएगा तो आ रहेगा। यस यस सर। अच्छा सम ऑफ आएगा तो आ रहेगा। और अगर सम ऑफ, सम ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल आया तो इज आएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं दो चार वर्ड और। All of the banana is ripe. सही सर। Bananas गिन सकते हैं तो R लगा दीजिए। All of the bananas are. All of the bananas are ripe. मान लीजिए अगर खीर है, हम मुझे बोले सारा का सारा खीर, तो खीर तो uncountable में आ जाएगा। Yes sir. तो all of the. अच्छा थोड़ा खीर बोलना है तो सर। हाँ तो little. करते हैं वो सारा, अभी देखते हैं थोड़ा मोरा सब कर लेते हैं। आई पूरा हो गया ना, all हो गया, आई अब हो गया, अब थोड़ा पे जाना। अब ऑल से थोड़ा घटा करके हाफ पे आते हैं, हाफ ऑफ। ठीक है, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ दोनों चीज स्वीकारता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों स्वीकारता है। अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ एप्पल्स हैं और इसमें से जो 50% एप्पल्स हैं, आप कह रहे हो कि यार आधे एप्पल्स तो भैया बिल्कुल फ्रेश हैं, आधे फ्रेश हैं, तो हाफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ दीज द एप्पल्स बोल इज आर 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 माइन फ्रेश फ्रेश। हेलो सर, हाफ ऑफ द
एप्पल सर ये एक में आधा हुआ सर हाफ हुआ या फिर एक टोकरी में से हाफ हुआ हेलो सर मैं बोली ना हेलो हाफ ऑफ द एप्पल आर डर्टी देखिए हाफ ऑफ द एप्पल्स एप्पल्स आर डर्टी हाफ ऑफ द राइस फॉर हिम हाफ ऑफ द क्या राइस राइस हाँ तो हाफ ऑफ द राइस अब राइस के लिए इज या आर इज या आर इज आएगा अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है इज आएगा तो हाफ ऑफ द राइस इज अब वो जैसा भी हो फॉर मी इज फॉर अच्छा फॉर मी मेरे लिए है ओके ओके सर अगर एक कटोरी हो तो उसका आधा करें आधी कटोरी दाल है एक कटोरी दाल क्या हाफ ऑफ द पीस बीन्स अनकाउंटेबल ज्यादा रहे पूरा रहे रहेगा तो इजी ना क्या दिक्कत yes, सर सर पेपर का एक पीस में से आधा आधा हो रहना होता है हाफ होल ऑफ द पल्स है पल्स 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 इज लेफ्ट बचा हुआ है और नहीं तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हाफ बोल पल्स पल्स इज लेफ्ट और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसकी बाउल बाउल लोग कहते हैं बाउल नहीं होता इसको बोल कहते हैं नो सर ये बोल यस सर बोल बोलते हैं ये लोगों ने पता नहीं क्यों बाउल बाउल करना शुरू कर दिया मुझे लगता है डब्ल्यू के चक्कर में बाउल कह देते होंगे यस सर ये सर मैं तो अभी ये भी सोचते हैं ना कि बोल बोलूंगा तो बोल हो जाएगा अपने मन से बनाते थे लोग ये गलत हो जाएगा और जो गेंद होता है वो बॉल होता है बॉल यस सर डिंग डोंग हो रहा है बॉल अब जैसे कई जगह हरियाणा में मैंने देखा है और कई जगह देखा है कि वो उन्होंने जैसे औरत बोलना है तो औरत बोलते अरे औरत यस सर औरत बोलते औरत नहीं बोल पाते हैं औरत जैसे और सर बहुत लोग तो रॉक ओड़ा भी बोलते हैं जैसे मॉल बोलना है तो मॉल कह देते मैं तो शॉपिंग मॉल गई थी भाई तो मॉल होता है तो ये फिर प्रॉब्लम आगे होगी हर जगह का अपना है पूरे बिहार में वैसलीन को भैसलीन है ही है के लव भैसलीन यस सर वही है वेरी को अभी भी भेरी कह देते हैं अरे भेरी वा तो भा बोलते हैं सर हां अच्छा राकोड़ा भी बोलते हैं सब राकोड़ा हां अब जैसे बोलना है सड़क तो वहां पर सब कुछ सड़क है सड़क 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 अगर बोलना है पकड़ तो वहां पर पकड़ पकड़ बोलेंगे सर पकड़ तो और अगर किसी का नाम शबनम है तो उनके लिए सब शबनम 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 उसको शबनम नहीं उसको शबनम हरियाणा में स्टेशन हां स्टेशन कहीं स्टेशन ना हो जाए स्कूल स्कूल ये सब जो जहां का रहने वाला है वहां के अपना एक स्टाइल है यू नो तो हां अपना स्टाइल है तो वो गलत नहीं है वो अपने स्टाइल में तो एक्सपर्ट है ब्रिटिश वाला कांट बोलता है तो पता चलता है कि कौन कहाँ का है लेकिन जब हम न्यूट्रल होते हैं जब हम ऐसी भाषा बोले जो पता ना चले कि कौन कहाँ से है तो हमें न्यूट्रल एक्सेंट बोलना होता है न्यूट्रल का मतलब जो उचित है वो बोलो उचित अब जैसे ये पानी वर्ड है ये न्यूट्रल हिंदी है ना जी पानी अब कोई पानी को बोले पानी यू नो होता है ना कहीं कहीं पर पानी को पानी नाकोड़ा भी बोलते हैं कहीं पर पानी को पानी अरे पानी पिया दिया पानी कहीं पर पानी हो गया ठीक है कहीं पर पानी पैन हो गया हे की भ गेल है के पैन द दियो ना पैन हो गया क्या है कहीं पर वो पनिया हो गया ए पनिया पिया पैन तो सर बिहार में बोलते हैं ना यस ये आपका मैथिली भाषा में पैन हो गया भोजपुरी वगैरह पनिया भी हो सकता है और बंगाल में जाते हो सब जोल हो गया अभी जोल खाबो सब जल हाँ जल भी नहीं जोल और वो की मात्रा हो गई वहाँ पर हर जगह सर वहाँ पीना नहीं होता सब खाना होता है खाना है अभी सिगरेट खाबो ओके ठीक है ठीक है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई ये ना सोचे कि मैं किसी का मजाक बना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ किस किस क्षेत्र में क्या बोला जाता है ये उनके वहाँ का स्लैंग इसी को कहते हैं स्लैंग ये उनका स्लैंग होता है जैसे कहीं पर खाट है तो कहीं पर खटिया होगा यू नो हो सकता है कहीं पर खटोली हो जाए बंगाली लोग सर
बंगाली लोग कपड़ा को कोपरा बोलता है, कोपरा। कहीं पर कपड़ा को लत्ता भी कहा जाता है, होता है, कोई नहीं। आइए हरियाणा में, हरियाणा में लत्ते बोलते हैं, लत्ते बोलते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हमको बोलने का उनमें से कुछ लोग श्रीमंत है, कैसे बोलेंगे? उनमें से कुछ लोग है ना, तो कुछ के लिए तो सम या फ्यू लगा सकते हैं ना। गुजराती Fine guys. तो वो now there are sir now there are three Marathi people in our class. Okay. You will learn so much Marathi in this class. Yes. इकड़े. Okay. इकड़े एक ही सिखाए. हाँ sir. इकड़े. Okay. Fine guys. एक ने पूछा था कि अगर एक सेव का आधा कर दिया जाए, किसी ने बड़ा interesting से पूछा था. राज मैं पूछा था sir. एक सेव को अगर आधा कर दें, तो अब क्या होगा? Is होगा? R होगा? जब बेचारा ये एक था तब भी इजी था, तो आधा है। फिर भी इजी हो गया। हाफ पीस भी कह सकते हो, हाफ पीस ऑफ द एप्पल, यू नो वन स्लाइस, अगर एक स्लाइस भी निकाल लेंगे ना, तो वन स्लाइस ऑफ द एप्पल इज, आप तब भी ऐसे बोलो। फाइन गाइस, अब आगे बढ़ते हुए अब देखिए एक वर्ड आता है, जैसे माई है तो इसी का एक और भाई होता है माइन, माइन योर है तो योर का क्या हो जाएगा? योर्स, योर्स। अगर आवर है तो आर्स, आर्स। हिज का, हिज का तो हिज ही रहेगा, हिज का। हर का और हर्स, हर्स। और देयर का देयर, देयर। अभी देखना है कि कब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे क्या नौबत आ जाएगी किसका इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक मोबाइल फोन है, एक मोबाइल। अब ये मोबाइल किसी से तो बिलोंग करता होगा, किसी का तो मोबाइल होगा ये। तो अगर एक व्यक्ति ऐसे बोले, उसने जैसे बोला दिस, और दिस के तुरंत बाद वो एक नाउन यूज कर ले, नाउन मतलब ये मोबाइल, ये टीवी, ये कुछ भी, और फिर यहाँ पर ऑफ कोर्स वो इज लगाएगा क्योंकि यहाँ दिस एक ही की बात हो रही है, तो मान लीजिए इसने इज लगाया। अब इस सूरत में उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर क्या बोलेगा? माइन बोलेगा। माइन। तो दिस मोबाइल, दिस मोबाइल इज माइन। इसे साबित होता है कि माइन के बगल में कुछ नहीं आना चाहिए, माइन के बगल में कुछ नहीं, कुछ नहीं आना चाहिए। माई के बगल में आ सकता है, माई के ऑडियो ऑफ कीजिए, कहीं तो शोर आ रहा है, कहीं शोर आ रहा है। ओके, बैकग्राउंड ऑफ कर लीजिए, देखिए आराम से समझिए। हेलो बट यू हो क्या की साथ? मैंने एक दिन कहा था सारे राज खुल जाते हैं, माइक्रोफोन ऑफ कर लिया कीजिए, जो जो आप घर में बतियाते हैं सब इधर रिकॉर्ड होता है। ओके देखिए, तो अगर मुझे बोलना है कि मैंने दिस बोला और दिस के बाद मैंने इज लगाया, दिस इज, और मुझे यहाँ पे बोलना है मोबाइल, तो बीच में मैं क्या लगाऊं, माइन लगाऊं कि माई लगाऊं? जो माई वाला डिपार्टमेंट है, यानी कि माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये अपने बगल में नाउन लेते हैं, यू नो, नाउन लेके आते हैं, अपने बगल में लेते हैं, लेकिन माइन, योर्स, योर्स, हिज तो हिज ही है, हर्स, अपने, हर्स, theirs, ये अपने बगल में नहीं ले सकते, कुछ नहीं डालते। sir, it's,
इस तरफ अपने बगल में कुछ नहीं लेंगे, ओके? तो पहले इसको आराम से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल लिखता हूँ। माई बुक, सही या गलत? करेक्ट है, अपने बगल में लिया। माइन बुक, सही या गलत? माइन के बगल में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आ सकता। तो अगर मैं कहता हूँ कि योर मोबाइल, सही या गलत? सही है सर। लेकिन अगर मैं योर्स बोल दूं तो क्या मैं मोबाइल लगा पाऊंगा? गलत हो जाएगा सर, गलत हो जाऊंगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं योर्स के बगल में मोबाइल नहीं लगाऊंगा तो इस मोबाइल को मैं कहाँ दिखाऊंगा? योर्स से पहले दिखाना पड़ेगा कहीं, है ना? पहले दिखाना पड़ेगा मोबाइल योर्स। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? या तो अगर मैंने बोला कि इट्स, अब इट्स का मतलब है इट इज, तो अगर मुझे रुकना है तो इट्स माई पे रुक सकता हूँ कि इट्स माइन पे रुक सकता हूँ? It's mine. सोचिए। It's mine. दोनों पे। It's mine. It is mine. सर, it's mine सही है। It's mine सर। Mine सही। It's mine सही है। My कहीं पर ये भी लिख लीजिए कि my, your, his, her, our, their, बिना noun के नहीं आएगा, बिना noun के नहीं आएगा। आप जब my लगा रहे हो तो कुछ तो आप कहना चाह रहे हो ना? आप कैसे माई पे रुक नहीं सकते आप? तो इट्स माई गलत है, इट्स माइन सही। माइन तो अपने बगल में कुछ लेता ही नहीं है, तो सही है, ये करेक्ट। जैसे ये किसका शोर है? विवेकानंद सर, मैं एक टेरेस पे हुआ करता हूं। खाली ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ करो, उधर से आवाज आती है। आप ही लोग वीडियो देखोगे और डिस्टर्ब हो जाओगे। तो अब बताइए, अगर मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पर दिस बोला और यहाँ पर मैंने बोला दिस कार, फिर मुझे इस बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इस कार माई, यस सर, दिस कार इज माई। तो क्या मैं माई पे रुक सकता हूँ? माई पे रुक सकता हूँ? नहीं रुक सकते, गलत हो जाएगा। तो मुझे बोलना होगा दिस कार इज माई, करेक्ट हो जाएगा। दिस कार इज योर्स भी हो सकता है सर। हाँ हाँ, दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स। सर ऐसा भी, दिस इज माय कार। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैंने दिस के बगल में मैंने कार लगा दिया, या मैंने कार नहीं भी लगाया, मैंने खाली इशारा कर दिया, दिस बोला और मैंने दिस इज कर दिया, तो मैंने कार का नाम नहीं लिया, आंखों से देख लिया कार। जैसे यहाँ पर एक कार है, दिस इज माय, ये कार है, और इस लड़की ने बोला दिस इज, तो इधर वाला लड़का तो समझ गया ना कि इशारा किसकी तरफ है, कार की तरफ। तो कार कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, दिस इज। अब वो लड़की को कहना कि ये जो देख रहे हो ना भैया, मेरी है ये, तो अब क्या बोलेगी? दिस इज माई, दिस इज माइन, दिस इज माई। क्योंकि माई बोलेगी तो उसे कार भी बोलना पड़ेगा, माई पे रुक नहीं सकती है, माई अपने आप यू नो नाउन लेगा वो। तो खाली अगर दिस इज माई कहती है तो गलत है, उसे कहना होगा दिस इज माइन, ये करेक्ट है। इट्स बोल सकते हैं क्या? इट्स माइन। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो दिस ना बोल करके कार को इट बोले, इट्स माइन, तो इट के बाद वो इज लगाएगी, तो इज को अगर शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, इट्स माइन। तो इट्स माइन वो कह सकती है, लेकिन वो इट्स माई नहीं कह सकती है, क्योंकि माई भैया अपने बगल में लेके रहेगा, उसको तो चाहिए नाउन आएगा सर, नाउन आके रहेगा इसके बगल में। तो ये है, तो इट्स माई वाला गलत है, रॉन्ग, इट्स माइन सही है, करेक्ट, ओके। तो अब सर इसको मतलब ये मेरा नहीं है, इट्स नॉट माइन, ये बोल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला कि इट्स नॉट माइन, नॉट माइन, 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 इट्स नॉट माइन, करेक्ट, ओके सर। अगर आपने गलती से बोल दिया, अगर इट्स नॉट माय, हां इट्स नॉट माय, तो या तो माई के बाद पूरा बोलिए, माई के बाद उस आइटम का नाम दिखाइए, नॉट माय बुक, हाँ तब तो सही है, नहीं तो भैया अधूरा नहीं चलेगा, गलत है। पर मतलब अगर मुझे बोलना है क्या यह आपका है, आपका है, अब मैंने कहा कि इज इट, मैंने इज इट बोला, अब इज इट के बाद अगर मैं योर बोलूंगा सपोज, तो मुझे योर के बगल में कुछ तो चाहिए, यू नो चाहिए। अगर मैं इतना पे अगर मैं चुप हो गया इज इट योर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, योर अपने बगल में नाउन लेके रहेगा, तो मुझे इज इट योर्स जब मैं बोलूंगा तो करेक्ट है, योर्स अपने बगल में कुछ नहीं रहेगा।
यानी कि कॉमन सी बात है कि कभी भी योर माई लगाओगे तो ये अपने बगल में कुछ तो लेगा, कोई ना कोई नाउन तो लेके रहेगा। सर ये क्या, यह मेरा है तो इसका होगा इज इट माइन। इज इट माइन, इज इट माइन, ओके जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। क्या यह मेरा नहीं है, इज इट नॉट माइन। Yeah, right here. Okay. Is it mine? अब लड़की क्या यह मेरा नहीं है? Is it not mine? Is it not mine? Yeah, isn't it mine? Isn't it mine? क्या तुम्हारा नहीं है? Isn't it yours? Isn't it yours? Isn't it yours? Isn't it yours? किसका है? अब ये किसका है? सर यहाँ पे दिस भी लगा सकते हैं, मोबाइल इज दिस, मोबाइल इज दिस, किताब है, यह किसकी पर्स है? ओके, हूज के बगल में उसका आइटम का नाम दिखाओ, हूज लैपटॉप इज दिस सर, हुस जी के बारे में बोलना था, ये जाएगा और आएगा सर, इजी आएगा, किसके बारे में? टीटी अभी एक चाय पतीला टी था ना, एक पतीला चाय, हुस टी इज दिस, या हुस टी इज दिस, वाटर इज दिस द टेबल, वाटर इज दिस, हुस वाटर किसका पानी है, हुस वाटर इज दिस, हुस हाउस इज दिस, वॉल इज दिस, हां हु इट्स अगर वो लड़की है तो इट्स हर्स, अगर वो लड़का है तो इट्स हिज, बताइए हिज कार या हिम कार, बताइए, इससे साबित होता है कि पोजेशन वाले जो वर्ड होते हैं, पोजेशन पोजीशन वाले होते हैं माय, योर, इज, आर, देयर, इसके बाद आप जो लगाओगे ना, जो आइटम जो लगाओगे, नाउन, ये चीज आपका हो जाएगा, आप ही इसके मालिक हो, पोजीशन, समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पर लगाया, अगर आपने लगाया माय सन, तो इस बेटे के मालिक कौन? आप। इस प्रोडक्ट को कौन लाया? आप लाए, समझ रहे हैं? तो अगर आप कहते हो माय लैपटॉप, तो इस लैपटॉप का मालिक कौन? आप। ठीक है, तो आप सर, आई वांट टू आस्क समथिंग, ओके, हुज पैंट्स आर दिस, ये सही होता है, मतलब पैंट्स तो प्लूरल में यूज करते हैं, देखिए हां प्लूरल होता है। अब आई, अब लेक्चर को सुनिए, देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स है, मतलब नाउन्स हैं जो होते एक हैं लेकिन फॉर्म प्लूरल यूज होता है, प्लूरल यूज,
अरे भैया बस कितने ऑडियो बंद कर लीजिए ना, क्या तकलीफ, ऑडियो बंद कर लीजिए। फॉर्म प्लूरल यूज होता है और वर्ब भी प्लूरल लगता है, जैसे आगे आपका पैंट्स। अब आपके पास तो एक ही पैंट है ना, अगर किसी के पास ये पैंट है तो पैंट एक ही है, लेकिन इसको कहेंगे क्या, पैंट्स। तो जब कहेंगे इसको प्लूरल के अंदर तो अब इज लगेगा कि आर लगेगा, खुद ही सोचिए क्या लगेगा, आर लगेगा। आर लेकिन लगेगा। आम घरों में लोगों को आदत नहीं बोलने की, अगर कोई बोलेगा ना कि माई पैंट्स आर देयर तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे पैंट्स की बात कर रही होगा ना, है ना। हर बंदा अपने घर में कितना भी पढ़ा लिखा हो वो क्या बोलता है, यार मेरा पैंट गंदा है, माई पैंट इज डर्टी, वो ऐसे बोलेगा मेरा पैंट गंदा। तो ग्रामेटिकली गलत है। सोचता मैं तो जानता हूं सर, घर में जानता हूं नहीं। एस बोलने से वो पेड़ में आता है। हाँ, लेकिन करेक्ट अंग्रेजी तो होती कि माय पैंट्स आर डर्टी, यू नो ये। यस सर। अब है कि अगर किसी को पैंट्स नहीं बोलना है तो फिर बोले कि माय पेयर ऑफ पैंट, अब लोग पेयर को भी जोड़ा समझते हैं, यू नो। यस सर। तो बंदा और कंफ्यूज, तो माय पेयर ऑफ पैंट्स आर डर्टी। नहीं, अगर पेयर बोल दिए, एक ही पेयर है, अगर एक पेयर बोल दोगे तो इंग्लिश लगा सकते हैं, My pair of pants is dirty. तो बंदा हर लेवल से कंफ्यूज है। यहाँ पैंट्स के चक्कर में इस बोलने का मन नहीं कर रहा है, वो पेयर को नहीं समझ रहा है, और यहाँ एक पैंट को पैंट्स बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या बोलता है, ऊपर वाला, माई पैंट इज डर्टी। लेकिन अगर किसी पेपर में आएगा तो ये गलत है, ये सही है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसे होता है। कैंची, कैंची क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं ना, सीजर्स। यस सर। तो सीजर्स के साथ आर लगता है, लेकिन आप घर में किसी को बोलना क्या बोलेगा, ओ माय सीजर्स इज, हो सकता है सीजर्स भी ना बोले, सीजर पे ही रुक जाए, देखो अरे सीजर दे दो, सीजर, माय सीजर। तो ये यहाँ इधर मैंने प्रॉब्लम देखी है अपनी तरफ कि उसको स्वीकारते नहीं है, उनको लगता नहीं यार ये तो दो है, एक है दो जैसा लग रहा है। जैसे आई को आईज बोलते हैं, सिर्फ एक आई थोड़ी ना बोलते, आईज बोलते हैं। तो आईज आपको बोलना है। तो ये कुछ चीजें जो लोग नहीं मानते, चलता है, कोई टोकता नहीं, बट पेपर में अगर आएगा, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करते एंड लिखते भी नहीं, लिखते भी नहीं। तो यही बात सर, जैसे मेरे जूते गंदे हैं, तो दोनों जूते गंदे हैं, तो कैसे बोलेंगे, मतलब शूज ही बोलेंगे, माय शूज आर डर्टी। मैं आपको कुछ ऐसे लिस्ट दूंगा ऐसे वर्ड्स के जो देखने में बेचारे, मतलब वर्ड देख के लगे सिंगुलर है बट टू है प्लूरल, जैसे कि कैटल, यू नो कैटल है तो कैटल आर बोलना, ऐसे कई सारे लिस्ट हैं, मैं आपको दे दूंगा ये लिस्ट। फाइन गाइस, तो ज्यादा वक्त नहीं है, सर आप ऊपर जो कुछ बोल रहे थे वो कंटिन्यू कीजिए ना। क्या बता रहा था मैं, वो माय, हाँ पोजीशन, मैं कह रहा था कि जब भी हम ये नाम लेते हैं माय योर हिज, तो इसके बगल में एक तो नाउन चाहिए, ये सबको पता है। अच्छा, जब हम बोलते हैं हिम, इसको भी एक बार देख लीजिए, ये होता है मी, यू, अस, हिम, हर, देम, इनके बगल में कुछ नहीं चाहिए होता है, इसके बगल में नथिंग, कुछ नहीं चाहिए होता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दिस इज हिम मोबाइल, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। ओके, अच्छा, और ये पोजेशन के लिए काम भी नहीं आता है, ये पोजेशन भी नहीं है कि दिखा दो, ये क्या होता है, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप हिम। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, आई विल स्लैप हिज, नहीं बोल सकते। अगर आपको हिज बोलना होगा तो मैं उसके भाई को थप्पड़ मारूंगा, आई विल स्लैप हिज, ठीक है। तो ये जो हिज वर्ड आया है ये दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पर एक लड़का है, बहुत ध्यान से देखिए, ये लड़का आपकी नजरों में आप अपने आप को आई बोलोगे, ये लड़का ही हुआ कि नहीं हुआ, ये ही हुआ, यू नो, आपकी नजर। yes, sir. तो जब तक ये सब्जेक्ट है तब तक तो आप इसको ही बोलोगे,
ये जा रहा है, ही इज गोइंग, बोलोगे ना? ये yes, ये स्मार्ट है, ही इज स्मार्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे ये बेचारा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये ही अब क्या बन जाएगा? हिम, हिम ऑब्जेक्ट होते देखो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम बनेगा। सब्जेक्ट है जब तक ये खुद सब्जेक्ट है, ही है, और जब कोई और सब्जेक्ट है और ये बेचारा ऑब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट हो जाए राम, मैं बोल राम इसको मारेगा, तो अब तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट तो राम हो गया है ना, तो बेचारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि राम विल बीट ही, कि राम विल बीट हिम? सोचो, खुद ही सोचो, राम विल हिट हिम। इसको आज क्लियर करके जाऊं, मैं रोज लेट नहीं होना चाहता हूं, फिर भी अभी मैं क्लियर करके जाता हूं। देखिए, और शूटिंग की थकान भी कितनी होती है सर, कल ही देखा हमने। यस 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 सर, आई लव एक्टिंग। वो सब देखने को कब मिलेगा सर, जो आप शूटिंग कर रहे हैं? ये शिमारू टीवी पे आने वाला है, एक हफ्ते में आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे पास तो टीवी नहीं है, तो मैं उसको YouTube का इंतजार करूंगा, YouTube पे जब आएगा तब। क्या सर वेब सीरीज है क्या? नहीं नहीं, अभी जो सीरियल मैंने किया है, जैसे क्राइम पेट्रोल आता था ना, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तो वैसे ही एक आता है क्राइम वर्ल्ड शिमारू टीवी पे, क्राइम वर्ल्ड, और ये टीवी है शिमारू, नाम सुना होगा आपने शिमारू। यस सर, यस सर, इस पर ये आएगा, मुझे लगता है दो चार दिन में ये आना चाहिए, एक स्टोरी आएगी क्राइम शो जो आता है, तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर है, कोई बिजनेसमैन का एक छोटा सा कैरेक्टर है, उसमें डायलॉग्स हैं। और एक और एपिसोड आएगा, उसमें मैंने पुलिस का काम किया है, देखा होगा आपने शायद, एक पुलिस। एक रिसेंटली सर्वेंट का भी किया हुआ है, सर्वेंट वाला वेब सीरीज है वो, तो किसी मैक्स एमएक्स प्लेयर क्या होता है उस पर आएगा, तो सब अभी है टाइम है। खैर ये तो होगा ही, आइए। तो अगर यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है, जब तक ये लड़का सब्जेक्ट है तब तक ये कौन है? ये ही है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि देखो देखो ये रो रहा है, तो कौन रो रहा है? ही रो रहा है, he is, he is crying. Crying. देखो देखो ये स्मार्ट है, कौन स्मार्ट है? ही स्मार्ट है, he is smart. तो यानी कि अभी ये ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई और सब्जेक्ट होगा, तो अब ही को हमें क्या करना पड़ता है? हिम करना पड़ता है। कैसे? मैं कहता हूं देखो देखो राम इसको पीटेगा, राम इसको राम पीटेगा, अब पीटेगा राम, 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 राम विल बी बीट हिम, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम विल, तो राम सब्जेक्ट है, तो राम फ्यूचर टेंस है, विल, राम विल बीट हिम, राम विल बीट हिम। अब मुझे ये तो मर्द है, तो इसको तो या तो मैं ही बोलूंगा या हिम बोलूंगा, दो ही ऑप्शन है, बीट ही बोलू कि बीट हिम बोलू, यही है, अगर मैं इसको राम विल बीट ही बोलता हूँ, तो भैया सबको पता है कि ही जो है वो सब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, ये वर्ब है, और ये पोजीशन तो ऑब्जेक्ट की है ना, देख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, और हमने यूज किया है सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला, तो गलत हो गया, तो ही काट करके क्या लगाना पड़ेगा? हिम लगाना पड़ेगा, यू नो, तो ये बन जाएगा क्या सर? ही ऑपोजिशन में आएगा। हाँ, आ रहे होने ना दीजिए, पहले को अधूरे मुहे में रह गया, रुकिए, तो राम राम विल बीट हिम, ठीक है, देखिए, तो ये हिम करेक्ट हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया, पूरा जब तक मेरी आदत है, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं करूंगा मैं पीछे नहीं हटता हूँ, तो रुकिए, राम विल बीट हिम। अब अपनी बात करते हैं, एक इंसान खुद को, जब तक वो सब्जेक्ट है वो खुद को क्या बोलेगा? आई, आई, आई मतलब वो सब्जेक्ट है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट होगा तब खुद को क्या बोलेगा? मी, मी, आई मी हो जाएगा, यू नो, तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं जाऊंगा, आई विल गो, मी, यू नो, आई विल गो, मैं अपने दोस्त को पीटूंगा, आई विल बीट माय फ्रेंड, यानी कि सब कुछ अभी आई आई ही कर रहा है, आई हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा कि यार मेरा फ्रेंड मुझे पीटेगा, तो माय फ्रेंड विल माय फ्रेंड विल बी आई लिखूंगा, मी क्या लिखूंगा? मी, अगर मैं आई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना, तो माय फ्रेंड रॉन्ग। धनश्री, समझ में आ रहा है? धनश्री, बीट मी हिम, यस सर, जी सर, तो ये करेक्ट होगा, तो इससे ये साबित होता है कि सर, तो ये माय फ्रेंड मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा,
नहीं नहीं सॉरी गलती से ऐसा आ गया होगा फ्रेंड, माय फ्रेंड विल बीट मी। तो मुझे बस ये कहना है कि कब आई लगाना है, आई इधर नहीं इधर लगता है सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट में आई क्या बन जाता है मी, तो उसी तरीके से ही बन जाता है हिम, आई बन जाता है मी, यू तो बेचारा हर सूरत में क्या रहता है, यू ही रहता है, ओके। और अगर कोई लड़की है शी, तो शी बन जाती है हर, हर का तो हर ही, ओके। अगर कोई दे है तो दे बन जाता है देम, और वी बन जाता है अस, अस। जैसे देखिए मैं बोलूं कि भाई सोहन हमें पीटेगा तो सोहन विल बीट अस, अगर मैं कह दूं सोहन विल बीट वी तो क्या वी तो क्या सही है, नहीं क्योंकि वी तो सब्जेक्ट की जगह है ना, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज ही नहीं कर सकते है ना, ओके। अगर मैं बोलूं कि सोहन विल बीट शी तो क्या ये सही है, बताइए होना क्या चाहिए, सोहन विल बीट हर, बीट हर, हर, हर। सर ये सोहन आई वी विल बीट देम तो ये होगा ना, हाँ बिल्कुल। अगर मैं कहूं मैं बोलूं कि हम पीटेंगे, वी विल बीट हम उसे, और गलती से मैंने दे कर दिया तब तो गलत हो गया ये, दे तो सब्जेक्ट की जगह है, तो we will beat them. We will beat them. अब हुआ करे, ठीक है। अब रही बात कि फिर ये my क्या है, तो my के अंदर आप इसको कुछ नहीं कर रहे हो, इसके बगल वाले के लिए कुछ बात कर रहे हो ना, my son। आप बोलो कि यार मैं, जैसे ये लड़का है देखो, ये जब तक सब्जेक्ट था ये ही था, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जब आप इसको मारोगे पीटोगे नोचोगे तो हिम बोलोगे, यू नो। लेकिन अगर आप इसके भाई को पीटोगे तो ये भाई तक पहुंचने से पहले आपको यहाँ हिज लगा के जाना पड़ेगा ना, इसका भाई है ना, भाई इसका है, तो बताओ कि हिम ब्रदर बोलोगे कि हिज ब्रदर बोलोगे, सोचो, हिज ब्रदर, यानी कि एक एक मर्द के लिए तीन आइटम है, ही हिम हिज, देख लो तीन आइटम है, और एक महिला के लिए कितने आइटम है, महिला के लिए शी, सब्जेक्ट है तो शी, ऑब्जेक्ट है तो हर, और अगर उसका कोई भाई बहन भी होगा तब भी हर, हर। इसके लिए सर एक हिम वाला बना के अभी बताते हैं, बस बताते हैं, देखिए मैं तीनों सेंटेंस लिखता हूँ, आज आपका ही हिम हिज कंफ्यूजन खत्म होना मांगता है बॉस, आइए देखिए, ही हिम हिज का डिफरेंस, का डिफरेंस, आइए ये चलिए, ओके। तो मैं लिख देता हूं ही का बराबर क्या हम मान के चल रहे हैं, ही बराबर सब्जेक्ट, तो वो आ रहा है ही इज कमिंग, हिम का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि राम उसे पीट रहा है, राम इज बीटिंग हिम, और हिज का मतलब हो गया पोजेशन, पोजीशन मतलब इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई भाई बंधु कुछ ऐसा, तो यानी कि हिज के बगल में कुछ चाहिए, हिज के बगल में कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए, सन हो सकता है, डॉटर हो सकता है, कुछ तो चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि राम इसके भाई को पीटेगा तो राम विल बीट हिज ब्रदर, ऐसा होगा। अगर मैं कह दूं कि राम विल बीट हिम ब्रदर तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई बहन बोलने से पहले, भाई बहन मोबाइल कंप्यूटर जो भी इस लड़के का है, ये लड़का है तो इस लड़के के बहुत सारी चीजें होंगी ना, इस लड़के की गाड़ी भी होगी कहीं पर, इसका कहीं पर घर भी होगा, हो सकता है इसकी वाइफ होगी, इसकी गर्लफ्रेंड होगी, तो हमें जब इसके गर्लफ्रेंड और भाई बंधु की बात करनी होगी तो हम हिम करके नहीं जा सकते, इसमें हमें क्या लगाना होगा, पहले हिज लगाना होगा, हिज लगा के ही हम, जैसे हिज बोलेंगे तो जितने आइटम हम गिनवाएंगे ना, हिज हाउस, तो घर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये मालिक है उस घर का, यू नो, हमें हिज लगाना होगा, हिम लगाकर हम नहीं जा सकते हैं, एक ही कॉमन सेंस है, हिम बोलेंगे तो इसी पे रह जाएंगे, इसी को मारो हिम, इसी को पीटो हिम, लेकिन इसके भाई को मारो हिज ब्रदर, आई विल बीट हिम ब्रदर, क्या कहना है, आई विल बीट हिम, आई विल बीट हिम का मतलब मैं उसी को पीटूंगा, ये जो लड़का है, मैं उसे पीटूंगा, ये जो लड़का है ये, और ये हूँ मैं, yes, मैं पीटूंगा, तो पिटाई किस पर जाएगी,
इसी पर जाएगी, हिम पे जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई देख मैं इसके भाई को पीटूंगा, इसके भाई को, तो अब मैं कैसे बोलूं? I will beat his brother. तो his brother. I will beat his brother. यानी कि जब मुझे ब्रदर की बात करनी है तो ये ब्रदर किसी का तो है ना, किसी का तो ब्रदर है ये। अगर मेरा भाई होगा तो माई आ जाएगा, यू नो, किसी लड़की का भाई होगा तो हर आ जाएगा, ये हम सबका भाई है तो आवर आ जाएगा, ये उन लोगों का भाई है तो देयर आ जाएगा, तो जिसका नाम लेंगे उसी का भाई बन जाएगा। Okay, sir. तो मुझे इसके भाई को पीटना है तो हिज ब्रदर। अब बताओ कि वो मेरे भाई को पीटेगा, पीटना है तो हिम उसी को पीटना है तो हिम, उसी को मैं उसको गले लगाऊंगी, बताइए, आई विल हग हिम, आई विल हग हिम, और मैं उसके भाई को गले लगाऊंगी, अब आई विल हग हिज ब्रदर, हग हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। तो इसीलिए तो बताइए कि मैं उसी से ब्याह करूंगी, आई विल मैरी हिम, अब मैं उसके भाई से ब्याह करूंगी, ब्रदर, इतना डिफरेंस है आ रहा है। तो बताइए कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, तुम्हारा मोबाइल का योर मोबाइल होगा, राइट, योर मोबाइल, उसका मोबाइल, इसका क्या होगा, हिम मोबाइल कह दे तो सही होगा, नहीं सर, कोई बोल दे मी मोबाइल तो क्या सही होगा, होना क्या चाहिए, माय मोबाइल, माय मोबाइल, माय मोबाइल इज करेक्ट, माय मोबाइल, माय मोबाइल इज करेक्ट होगा। और अगर कोई गलती से कह दे माइन मोबाइल तब भी गलत, इन सब पे मैं थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं सेंटेंसेस लिख लिख करके ना प्रैक्टिस बनाऊंगा सब पे, ठीक है, ठीक है सर। सर एक डाउट है सर, वो जो वन ऑफ कम ऑफ ये लगाए थे ना उससे भी बनाइएगा सर, पक्का सर, और जो भी डाउट आप लोग पूछे तो इसी से रिलेटेड, उस दिन हमने फैसला किया था ना, हाँ हाँ सर, yes, हो गया है, मतलब हो गया है तो मैं पूछता हूँ, आई विल मैरी हिज ब्रदर और आई विल मैरी विथ हिज ब्रदर, विथ लगाना कंपलसरी है या नहीं है, मतलब okay. लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, जाते जाते बता दो, आई विल मैरी विद हिज ब्रदर, इसको बोलते हैं महा गलत अंग्रेजी, ठीक है, ये नहीं होगा, I will marry his brother, correct है, मतलब दोनों के साथ हो जाएगा ना सर, इसका इसका पता है अगर विद लगा दोगे तो ऐसा लग रहा है कि उसके भाई की शादी हो रही हुई, साथ में मेरा भी मंडप में सजा दो भाई, यू नो, ऐसा हो जाएगा कि कैसे एक साथ कई शादियां हो जाती हैं, yes, sir. तो वैसी वाली फीलिंग हो जाएगी, ऐसा भी होगा ना, I will dirty his boys, I will dirty his boys, नहीं सर, I will dirty his brother. Dirty समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? मैं उसके भाई को गंदा कर दूंगी, क्या कहना चाह रहे हो? हिंदी बोल भाई साहब, हिंदी बोलिए, नहीं तो मराठी बोलिए, कुछ तो बोलिए, I will, ये जो कह रहे हैं मैंने सुना कि I will dirty his brother. तो मतलब कि मैं उसके भाई को दूषित कर दूंगी, गंदा कर दूंगी, कुछ यही हुआ क्या हुआ? तो ऐसा कौन बोल सर, फिर मैरी के साथ मतलब विथ आएगा ही नहीं, नहीं आएगा भाई साहब, महा गलत बोला तो सही, इसलिए मैं पूरा समझाता हूँ, मैरी आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और पता है ना कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है, प्रेपोजिशन नहीं आता है, मैं पूरी लिस्ट दूंगा, एक बार टेंस में घुसेंगे ना, नहीं आता है, ठीक है जी, डोंट वरी, मैरी के साथ नहीं आएगा, रट लो ना, टेंशन में पड़ गया बेचारा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, मान तो लो एक बार, हाँ तो बोल दो, नहीं आएगा जी जी, हाँ हाँ, माय बैड कहता हूँ मैंने, अब ये लड़का अगर कोई लॉजिक देगा कि हमारे फलाने सर ने कहा था, चिलाने ने कहा था, भाई उसने कहा था लेकिन नहीं होता तो नहीं होता, मैं कैसे हाँ कर दूं, ठीक है, मैरी के साथ विद नहीं आता है, याद रखिए, चलिए मैं पीडीएफ आपको भेजता हूँ गाइस, ओके सर, बाय बाय सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सर।